शिवपाल जी भी एक पार्टी बनाए, वो उनकी अपनी विचारधारा की पार्टी है, वो अपनी नीतियों से प्रदेश को मजबूत करना चाहते हैं। हम अपने प्रदेश की आपके दर्द को हम महसूस कर सकते हैं स्टूडियो से, हमारी शुभकामनाएं। महसूस ना करें, क्योंकि आप अगर निष्पक्ष होते तो जल्दी से सर, मैंने सबसे पहले शुभकामना आप लोगों को दे दी है। मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी एके मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में लगातार बने हुए एके मिश्रा। एके मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त शिवपाल यादव ने जो बात बोली है ये बगैर किसी आधार की बोली नहीं, बहुत ही सोच समझकर तमाम इस वक्त जो गतिविधियां चल रही हैं उनके मद्देनजर ये बात बोली जा रही है, ये किसके फायदे की बात है, बीजेपी के या बाकी समाजवादी पार्टी के? पूजा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की धरती पे एक बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के पीठ में छुरा भोंक करके गंगा जी के किनारे राजा बन गया था। अब आप इसको तत्कालीन राजनीति में देखिए, सपा और प्रसपा में पूरी जवानी खपाई वहां पे प्रसपा के जो नेता हैं शिवपाल यादव जी ने। राजा बनने की बात आई तो वो कैसे भी करके इतिहास को दोहराते हुए अखिलेश यादव राजा बन गए। और ठीक है, मुलायम सिंह यादव के टाइम पे मुख्यमंत्री चेहरा और मुख्यमंत्री भले ही मुलायम सिंह होते थे, लेकिन शिवपाल यादव का कद वहां पे कोई कम नहीं था। वो एक सीट से समझौता करने वाली चीज नहीं है कि जैसे अभी अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि आपके लिए एक सीट या एक मंत्री पोजीशन जो है खाली है, वो नहीं है। बात यहां प्रभुत्व की है। अब प्रभुत्व के लिए येन केन प्रकारेण, माई फार्मूला इनका हिट पहले से ही रहा है, मतलब मुस्लिम और यादव का फार्मूला ये एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी है, सुनिए, अडवाणी जी के पीठ में खंजर सर है। सुन लीजिए, अरे भाई, आप जीतिए इसकी शुभकामना है, मेरा उससे कोई आपसे या बीजेपी से कोई लेना, मैं सभी को शुभकामना देता हूँ, आप जीतिए, लेकिन जो फैक्ट है वो सुनाने दीजिए, वो बताने दीजिए। अगर ओवैसी और शिवपाल यादव बोलते हैं कि ओवैसी की पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो नाम से लेकर के काम तक जितने कैरेक्टर होते हैं कहीं लोकतंत्र नहीं है। वो लोकतांत्रिक मास्क इसलिए किए हैं क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक परिवेश में वो राजनीति कर रहे हैं, ये उनका सौभाग्य है। अब रही बात ये कि ये फार्मूला कितना हिट होगा, ये 2022 का चुनाव जो है बताएगा। फायदा किसका है? एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, पिछले चुनाव में शिवपाल यादव ने जो कारगुजारियां की थी, अंदर खाने से गुवाहाटी लगातार ये थी कि ये बीजेपी के फायदे के लिए है और समाजवादी पार्टी की जड़ें खोदने के लिए, मानते हैं इस बात को? अब जो बात शिवपाल यादव कर रहे हैं वो किसके नफे नुकसान की बात है? देखिए, राजनीति में कोई किसी के नफे नुकसान की बात नहीं होती है। सबसे पहला जो नफा होता है वो अपना होता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। अगर किसी का फायदा भी पहुंचाएंगे इनडायरेक्ट वे में, लेटेंट वे में, तो उसमें भी उनका अपना फायदा निहित होता है। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि अगर ओवैसी से हाथ मिला रहे हैं तो लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं मिला रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए मिला रहे हैं। सपा में जो अंतर कला है, जो घरेलू राजनीति है, उसको कौन जीतता है, ये सबसे बड़ा चुनाव आज की डेट में है। 2022 में यही चुनाव होगा कि घरेलू राजनीति में, परिवार की राजनीति में कौन नेता बनके उभरता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एके मिश्रा जी, मैं चलिए आती हूं दोनों के पास। एके मिश्रा जी, ये जो तमाम बातें कह रहे हैं इससे इतर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो जो बातें कर रहे हैं सो कर रहे हैं, मुश्किल से लगभग 16% का वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है, और लगभग 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये प्रभाव डालता है। क्या पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इसी 16% पर दिया जा रहा है? देखिए, जीतने के लिए 32-35% का आप अगर पास्ट हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जो सरकार बनाती है जो पार्टी 35 से लेके 35-36 के बीच जाता है, तो 16% का मतलब हो गया 45-50%, यानी आधा। आप अगर ये देखो, अगर जो जीतने वाली पार्टी है उसमें अगर 16% देखेंगे तो वो पूरे जीतने वाले के शेयर का लगभग 50% हो जाता है। इसलिए चूंकि ये परसेंटेज जीत और हार में इतना निर्णायक भूमिका ये निभाती है, सारी पार्टियां इस चीज के पीछे पड़ी रहती हैं कि कैसे भी करके हम इनको अपनी तरफ घुमा लें। पीछे की कई पार्टियों का अगर आप देखें, चाहे बसपा का देखें, सपा का देखें, तो इसी वोट बैंक का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें वो लगातार 3-3 बार 4-4 बार उनकी सरकारें बनी, यानी 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, इन लोगों का उदय ही इन्हीं सब चीजों के कारण हुआ, सत्ता में ये काबिज रहे। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो,
कोई भी सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, इस चीज को अब तो इतना माइक्रो लेवल पे कंपटीशन हो गया है कि एक एक परसेंट दो दो परसेंट के लिए लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं। और समझदारी इसी में है कि जो पार्टी 1% 2% 4% के लिए भी स्ट्रेटजी बनाती है और कैंपेन करती है, अपनी नीतियां जो है निर्धारित करती है, वो 1-2% 4% भी बहुत बड़े मार्जिन से हार और जीत का फैसला कर देते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए, जब सपा थी तो इन्हीं वोट बैंक को लुभाने के लिए जब वो लैपटॉप वगैरह देती थी, साइकिल देती थी, जरा उसका डाटा उठा के देखिए। बसपा में अगर कोई ऐसी चीजें होती थी, आप वो उठा करके देख लीजिए क्या है। ध्रुवीकरण शब्द मैं समझता हूं अब निरर्थक हो गया है, और शुरू से ये कोई नया प्रयोग नहीं है, हमेशा से दुनिया में कहीं पे भी अगर राजनीति में जीतना है तो एक निश्चित अनुपात में वोटरों का, जनसंख्या का आपके साथ होना जरूरी है। अब आप वो किसी भी मुद्दे से करिए, विकास के मुद्दे से करिए, फ्री गिफ्टिंग रिजर्वेशन से करिए, धर्म के हिसाब से करिए, और सारी पार्टियां करती हैं। जो सक्सेस हो गई वो जीत गई, जो नहीं सक्सेस हो पाती हैं वो जीत नहीं पाती हैं, फिर इल्जाम भले लगाते रहिए कि उन्होंने ध्रुवीकरण किया। ध्रुवीकरण तो आप भी करते हैं। एंट्री कितना नुकसान पहुंचा सकती है समाजवादी पार्टी को अगर शिवपाल ओवैसी और ये सब लोग एकजुट नहीं होते हैं तो? नहीं देखिए, अगर अगर ओवैसी अकेले आते हैं तो इसका एग्जांपल आप बिहार में भी देख सकते हैं और बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे जगहों पे। नहीं देखिए, उन्होंने जितनी सीटें उन्होंने लड़ी थी या प्लान की थी, जो उनका टारगेट था, आप उस हिसाब से देखिए। सारे राज्य में आप मत देखिए, ठीक है। ऐसे ही अगर ओवैसी यहाँ पे आते हैं तो एक इतना डेंट तो जरूर लगेगा या इतना वोट वो लेंगे कि वो डिसाइड कर सके कि जीतती हुई पार्टी को वो हरा दे। अगर 2-4% वोट भी वो ले गए और होमोजीनियस वे में सारी सीटों पे लड़ते हैं, आप पासवान का उदाहरण देखिए बिहार में, उनको कितने परसेंट सीट वोट मिला था? 5%। 5% वोट ने पूरे के पूरे रिजल्ट को बदल दिया। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर ओवैसी की पार्टी सारे सीटों पे लड़ती है और ये मान के कि एकदम नहीं है और भावावेश में आके जाति और धर्म के आधार पे भी उनको अगर 2-4% मिल जाता है, तो इतना तो निश्चित है कि जीतती हुई पार्टी को भी वो हरा सकते हैं। इसमें कोई उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इतनी गर्म ये डिबेट हो रही है, ये चर्चा हो रही है, खलबली सब में मची हुई है। भले ही उनका जो है शेयर बहुत कम हो, लेकिन वो पता है कि एक जो तिनका होता है ना, कि पड़ले का भार इस तरफ उस तरफ करने के लिए तराजू में एक छोटा सा बाट ही जो है बहुत अपने आप में सफिशियंट होता है। सारे समान विचारधारा के लोग जब एक साथ आएंगे, कौन से समान विचारधारा के, कौन से लोग? बसपा को साथ लेंगे, कांग्रेस को साथ लेंगे, धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं नहीं है, कोई विचारधारा नहीं बनी है ना, तो आप बार बार क्यों सवाल पूछ रहे हैं कौन सी विचारधारा? अभी विचारधारा बनने में टाइम लगेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया क्या सर? पटेल जी हो वो किनारे बैठा दिए गए या ओम प्रकाश राजभर किनारे बैठा दिए गए, तो समाजवादी पार्टी तो ऐसा काम करती नहीं है। भले कोई समाजवादी पार्टी को छल ले वो एक अलग बात। शिवपाल यादव जी को आपने क्या किया था? आप दूसरों का बता रहे हैं, शिवपाल यादव जी को क्या बीच में बैठाया था कि किनारे बैठाया था? देखिए इस बहुत दिनों की बात नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी दे सकते हैं जो हमारे पार्टी के संरक्षक हैं।